Hello everyone, hope you're staying safe. I'm Dr. Shreya Dubey. I'm a consultant in the Department of Pediatrics and Neonatology at the CK Birla Hospital, Gurgaon. So today we'll be discussing about how to take care of a child with asthma. So if your child has been diagnosed with asthma, agar aapke bache ko asthma diagnose ho chuka hai, to bahut zyada panic karne ki zarurat nahi hai. Agar hum ek proper asthma action care plan follow karte hain, to there are high chances ki hamara bachcha jo hai, wo day to day activities without any hindrance, without any obstacle normally nikal payega. So abhi asthma action care plan kya hai? इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग कि जो आस्थमा की मेडिसिंस हैं वो क्या हैं, कब देनी है और कौन सी वाली मेडिसिंस कैसे देनी है. मोस्टली जो आस्थमा में मेडिसिंस यूज होती हैं वो नेबुलाइजेशन या इनहेलेशन के थ्रू दी जाती हैं. सो आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करें, उन्होंने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है आपको वो प्रॉपरली फॉलो करें. दूसरी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रिगर्स को अवॉइड करना होता है. जो भी आस्थमा के ट्रिगर्स हैं अगर हम उनको अवॉइड करते हैं तो जो फ्लेयरअप्स होने का रिस्क है वो काफ़ी लो हो जाता है और हमें नॉर्मली हम लोग जो बच्चा होता है वो लाइफ अपनी लाइफस्टाइल आराम से चला सकता है नॉर्मली. सो अगर हम बात करें ट्रिगर्स प्रिवेंशन की, तो अगर पॉल्यूशन इज़ द ट्रिगर, सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी AQI ज़्यादा हो तो आप प्योरीफायर्स यूज़ कर रहे हैं. अगर आप प्योरीफायर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको वो जो डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्लांट्स होते हैं वो लगा लेने चाहिए. इसके अलावा अगर AQI बहुत ही ज़्यादा हजार्डस वाली रेंज में आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई करें कि बच्चे को बाहर लेकर ना जाएं उस टाइम पर. सो जो दूसरा होता है वो होता है डस्ट माइट्स. अगर हम डस्ट माइट्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना होता है कि लिनन जो है इट शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली. दूसरी चीज़ वैक्यूमिंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डस्टिंग. अगर पेट डैंडर की प्रॉब्लम है, अगर पेट डैंडर आपके बच्चे के आस्थमा का ट्रिगर है, तो ध्यान रखें कि बच्चा और पेट आइसोलेटेड रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए. तीसरी चीज़ है हमारी मोल्ड्स. जो सीपेज है वो नहीं होना चाहिए घर पे. जो हमारा हाउस है वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए. इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर. तो अगर आपके बच्चे को कोल्ड है या फ्लू के सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर सो दैट आप ट्रीटमेंट जल्दी इनिशिएट कर पाएँ और ये वाला ट्रिगर जो है वो वर्सन ना हो. इसके अलावा आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे यानी कि हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है. एंड देयर आर ओनली टू वेज जिससे हम लोग बच्चे की हेल्थ या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. वन इज़ गुड न्यूट्रिशन और दूसरा इज़ एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी. स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर. तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. वैसे भी आपके बच्चे को आस्थमा है या नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है स्मोकिंग शुड नॉट बी डन इन द विसिनिटी ऑफ द किड. उस वाली सेम विसिनिटी में नहीं करनी चाहिए स्मोकिंग. अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स आपके बच्चे का ट्रिगर है तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्टर से उसकी मेडिसिन पूछ लें और वो चीज़ फॉलो करें प्रॉपरली. जो फूड आइटम्स उसके गैस्ट्रोएसोफेजियल ट्रिगर को इन्हांस करते हैं उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आस्थमा इज ऑल्सो एन एंटिटी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को एक्सरसाइज ना कराई जाए. एक्सरसाइज इंप्रूव्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बेबी. सो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें और वो जो भी मेडिसिन बोलते हैं वो एक्सरसाइज के पहले आप दे दें बच्चे को सो दैट बच्चा एक्सरसाइज प्रॉपरली कर पाए. वेदर चेंजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर लेयरिंग या प्रॉपर क्लोथिंग आपने रखी हुई है बच्चे की. ठीक है, जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो भी फॉलो करते रहनी होती हैं हमें, जो कि सूदर्स होते हैं जैसे कि जिंजर है या गार्लिक है या लौंग है. ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपरली फॉलो करते रहनी होती है सो दैट ट्रिगर्स जो हैं वो मिनिमम रह सकें बच्चे के इन्वायरमेंट में. सो द थर्ड पॉइंट इन आस्थमा एक्शन केयर प्लान इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है अगर आस्थमा अटैक आता है बच्चे को या फिर अगर आस्थमा फ्लेयरअप हो जाता है. और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत कब पड़ने वाली है. कब पड़ने वाली है? जब बच्चा ब्रेथलेस आपको फील होता हो, या आपको लगे बच्चा बिल्कुल लिथार्जिक हो गया है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है ब्रीदिंग में इन द फॉर्म ऑफ सीसॉ मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, या सुप्रास्टर्नल यानी कि ऊपर रिट्रैक्शन आने लग जाए, या उसकी पसली चलने लग जाए. सो दीज आर द सिम्टम्स जिसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए. सो अगर आप प्रॉपर आस्थमा एक्शन केयर प्लान फॉलो करते हैं तो बच्चे मोस्टली नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज अपनी कर पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.